बॉलीवुड फिल्म चलो जीते हैं के निर्माता महेश हिरावले की फिल्म है जो 29 जुलाई को रिलीज होने वाली है। अक्सर आपने फिल्म का प्रमोशन फिल्म की स्टार कास्ट या फिल्म के लीड एक्टर्स को करते हुए देखा होगा, लेकिन ये ऐसा पहली बार है जिसका प्रमोशन केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता कर रहे हैं। फिल्म राजनीतिक नहीं है। फिल्म चलो जीते हैं के डायरेक्टर महेश हिरावले ने कहा कि उनकी फिल्म राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कई मंत्री अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसे प्रमोट कर रहे हैं। दरअसल यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की कहानी पर आधारित बताई जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। फिल्म के प्रमोशन के लिए रविशंकर प्रसाद, जयंत सिन्हा, राज्यवर्धन राठौर, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री ट्वीट कर चुके हैं। फिल्म के बारे में लोगों को तब पता चला जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, चलो जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बचपन पर आधारित फिल्म हमें जीवन जीने की गुण सिखाती है। वहीं इस फिल्म के निर्माता इस बात को कहने से बच रहे हैं कि यह फिल्म पीएम मोदी के बचपन पर आधारित है। जानकारों का कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी किसी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर प्रमोट कर रही है। जानकारी यह भी है कि कल यानी गुरुवार को यह फिल्म राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी। इस फिल्म को अब तक नेताओं के अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश और बीजेपी दिल्ली सहित बीजेपी की कई राज्य इकाइयों के ट्विटर हैंडल से ट्विटर पर प्रमोट किया जा चुका है। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित एक कॉमिक्स आई थी जिसका नाम बाल नरेंद्र था। उस कड़ी में अब उनके बचपन पर आधारित फिल्म आ रही है। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।